हेलो, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसका नाम कार्गो है। भविष्य की दुनिया बड़े पैमाने पर भड़क उठती है ज़ॉम्बी महामारी के साथ, जब मनुष्य एक बार संक्रमित हो जाते हैं वो 48 घंटे में ज़ॉम्बी बन जाएंगे। ज़ॉम्बी नरसंहार प्रकोप के मामले में मानवता के पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। मुख्य अभिनेता का 3 सदस्यीय परिवार ज़ॉम्बी से बचने के लिए नदी पर तैरने वाले एक घर में रहता है। एक दिन किसी मुख्य व्यक्ति ने वहाँ एक डूबी हुई नाव देखी। भोजन खोजते हुए अपने जीवन को बनाए रखने के लिए उसने डूबी हुई नाव के पास एक छोटी नाव चलाई। केबिन में रेंग कर जाने पर उसमें उसे खाने के ढेर सारे डिब्बे मिले। जिस क्षण एंडी बेहद उत्साहित था, कमरे में ज़ॉम्बी की चिल्लाने की आवाज आई। उसने जल्दी से खाना पैक किया, नाव पर लौटने के लिए रॉकेट की तरह तेज गति का इस्तेमाल किया। अपनी पत्नी को बाहर आते देख कर एंडी ने गर्व से अपनी उपज दिखाई। जब उसने यह सुना कि उसे वहाँ अकेले जाना है तो वो बहुत चिंतित थी। एंडी ने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया। उसने झूठ बोला कि उस नाव पर कोई ज़ॉम्बी नहीं है। वे थोड़ी देर साथ में बैठे। एंडी आराम करने के लिए कमरे में चला गया। जब काय पैकअप कर रही थी, उसे शराब की एक बोतल मिली और एक पत्र था जो एंडी ने छोड़ा था। यह हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी थी। काय ने देखना समाप्त कर दिया, अत्यंत छूने वाला था। वो एंडी के लिए कुछ उपहार लाना चाहती थी, इसलिए वो उस डूबी हुई नाव पर अकेली गई। अचानक से ज़ॉम्बी दरवाजे को तोड़कर आया और उसे पकड़ लिया। दृश्य बदल जाता है। काय जागती है और एंडी को अपने पैर पर घाव को ड्रेसिंग करते हुए देखती है। वो चिंतित महसूस कर रहा था। स्थिति का पता लगाने के लिए वो जल्दी से ऊपर गया। यह जानने के बाद कि काय ज़ॉम्बी से घायल हुई थी, एंडी ने उसके किनारे पर जाने का फैसला किया। पास के कस्बे के अस्पताल में मदद के लिए जाने पर काय ने इसका विरोध किया। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि काय और उसका बच्चा उसके लिए इसे खतरे में डालेगा, लेकिन एंडी की दृढ़ता के साथ पूरा परिवार किनारे पर एक साथ चला गया। रास्ते में बीच में उन्हें एक कार मिली, इसलिए वे उस कार में सड़क पर उड़ती हुई गाड़ी चलाने लगे। आधे रास्ते में नन्ही रोजी ने बिस्तर गीला कर दिया। काय कार से बाहर निकली और कार पर बच्चे का डायपर बदल दिया। अचानक वो नीचे गिर गई, खून की उल्टी हुई और कांपने लगी। स्पष्ट है उसकी हालत धीरे धीरे बदल रही है। काय का मूड खराब हो गया। वो बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसने एंडी को अपने बेटे को दूर ले जाने के लिए कहा। एंडी ने ऐसा नहीं किया। उसने काय को प्यार से दिलासा देते हुए गले लगा लिया। उसकी सलाह से वे सड़क पर एक साथ चले गए। अचानक उसके सामने एक ज़ॉम्बी भाग गया। एंडी ने गलती से स्टीयरिंग व्हील तोड़ दिया, जिस कारण कार एक बड़े पेड़ से टकरा गई। उसका सिर बुरी तरह जख्मी हो गया और उसने अपना नियंत्रण खो दिया। जब वो फिर से उठा, तब तक काय एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। वो एंडी को बांह से काटना चाहती थी और उसने विरोध करने की कोशिश की। काफी देर हाथापाई के बाद वो बच्चे को कार से बाहर निकाल सका। वो काय को कायम नहीं रखना चाहता था। वो अपने हाथों से उसे सिर्फ खत्म कर सकता था। उसका दिल टूट गया था। अब उसके पास केवल 48 घंटे बचे हैं। बच्चे की ओर देखकर एंडी की निगाहें और अधिक दृढ़ हो गईं। चाहे कुछ भी हो, वो मरने से पहले बच्चे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहता था। वो बच्चे को छोटे शहर की ओर ले गया, लेकिन ज़ॉम्बी ने उसे अवरुद्ध कर दिया है। उसी समय एक लड़की जिसने आदिवासी की तरह कपड़े पहने थे दिखाई दी। उसने अपना हाथ खरोंच दिया। ज़ॉम्बी को लुभाने के लिए उसने ताज़ा खून का इस्तेमाल किया। एंडी संध्या तक आगे की ओर बढ़ता रहा। अंत में वो कस्बे में पहुंचा, लेकिन यहाँ बहुत शांति थी, कोई भी नजर नहीं आ रहा था। एंडी एक स्कूल में चला गया, वहाँ एटा से मिला। एटा ने उसे एक बुरी बात बताई कि वो इस शहर में अकेली रह गई है और यहाँ बहुत अधिक भोजन नहीं बचा है। एंडी ने बहुत देर तक विचार किया, बच्चे को एटा को देने का इरादा किया, लेकिन एटा बहुत बीमार है, यह बहुत ज्यादा लंबा नहीं दिखता है। उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कुछ खोजने के अलावा। एंडी नक्शे को देखते हुए सैन्य अड्डे की ओर बढ़ गया। दुर्भाग्य से यह ज़ॉम्बी के लिए एक खेल का मैदान बन गया है। ज़ॉम्बी चुपके से एंडी की ओर आना चाहता था। सौभाग्य से विक बच गया और ज़ॉम्बी को गोली चलाकर मार डाला। विक को गैस सिलेंडर ने कुचल दिया। उसने एंडी से मदद करने के लिए कहा। आसपास काफी सारे ज़ॉम्बीज दिखाई देने पर उसने गैस टैंक को बाहर निकालने के लिए कार स्टार्ट की, जो कि विक के साथ चला गया। कुछ ही समय बाद विक एंडी को घर ले आया और विक की पत्नी लोरेन ने एंडी को बच्चे की देखभाल करने में मदद की। लेकिन एंडी ने एक सुनसान घास के मैदान तक विक का पीछा किया, जहां उसने एक लोहे के पिंजरा देखा जो ज़ॉम्बी से घिरा हुआ था। विक ने उसे एक बंदूक दी और ज़ॉम्बीज पर चलने के लिए कहा। जल्द ही उसने ज़ॉम्बीज को मार दिया और उसने देखा कि पिंजरे में एक लड़की बंद थी। तो बस इतना ही, थूमी द्वारा ज़ॉम्बी को बहकाने के बाद विक ने गलती से उसे चारे के रूप में पकड़ लिया। हालांकि एंडी ने विक के इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई, लेकिन देखभाल के लिए विक को सौंपे गए बच्चे के बारे में सोचकर उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। रात में एंडी अपने बेटे की आंखों में एक आखिरी बार देखता है, फिर अपनी जान कुर्बान करने के लिए कमरे से बाहर निकलता है। निर्णायक क्षण में लोरेन ने उसे रोक दिया। एंडी बच्चे की अच्छी देखभाल करने के लिए लोरेन से विनती करता है, लेकिन लोरेन का कहना है कि विक के आसपास रहना सुरक्षित नहीं है।
दरअसल उसे विक यहाँ लाया था। विक की वजह से उसके पति की मौत हो गई। बोलते समय विक को पता चला कि वो अकेले में मिल रहे हैं। उसने गुस्से में एंडी को पिंजरे में फेंक दिया। एंडी बैठकर मरने की प्रतीक्षा नहीं करना चाहता था। वो और थूमी पिंजरे से बचने के लिए एक साथ काम करते हैं। वे चुपके से कमरे में घुस जाते हैं, लोरेन और बच्चे को ले जाते हैं। कमरे से बाहर भागना आसान नहीं था। विक ने एंडी पर बंदूक तान दी और ट्रिगर खींच लिया। एंडी की गोलियों से लोरेन की मौके पर ही मौत हो गई। एंडी और थूमी भाग गए, ये उम्मीद करते हुए कि विक एंडी के हिस्से में लोरेन की मौत की गिनती नहीं करेगा। उसने उसका पीछा किया। एक रात पीछा करने के बाद दोनों ने एक नई यात्रा शुरू की। फिर उन्हें एक टीवी मिल गया। यह नहीं सोचा था कि टीवी के मालिक पर भी ज़ॉम्बी ने हमला किया था। वो खुद को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा है। एंडी थोड़ा हताश था, यह जानते हुए कि वो एक ज़ॉम्बी बनने वाला है, लेकिन अभी भी बच्चे के लिए एक सुरक्षित जगह नहीं मिली है। सौभाग्य से भगवान बहुत क्रूर नहीं है। थूमी एंडी को अपने कबीले में ले जाने की बात करता है। रास्ते में विक रुक गया। दोनों विक को नियंत्रित करने के लिए मिल गए, फिर सुरंग से बाहर निकले। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कदम उठा पाता, एंडी मरने वाला था। मरने से पहले उसने बच्चे को एक आखिरी बार चूमा। उसने सड़ते हुए मांस का एक टुकड़ा उठाया, उसे एक छड़ी से बांध दिया और अपने हाथों को रस्सी से बांध दिया। और बच्चे और थूमी को आगे ले जाते हुए और आगे चलने में कठिनाई होने के साथ सब कुछ करने के बाद भी एंडी दृढ़ रहना जारी नहीं रख सका और पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन गया। डंडे से बंधा हुआ मांस का टुकड़ा इसलिए था कि वो खून को सूंघ सके और आगे की ओर लालच की वजह से आगे बढ़ सके। उसके हाथ बांधे ताकि वो खुद बच्चे को चोट नहीं पहुंचा दे। वैसे ही एंडी थक कर चला गया। बच्चे को सुरक्षित रूप से थूमी की कबीले तक ले जाने के लिए ज़ॉम्बी की गति का प्रयोग किया। कबीले के प्रधान ने इस महान पिता को मार दिया जिसका बच्चा एंडी के संरक्षण में रहना जारी रखता है। लोगों को बच्चे के पेट पर लिखा हुआ मिला, धन्यवाद, मेरा नाम रोजी है। कहानी यहीं खत्म होती है। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। बाय बाय।